हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला प्रणाम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका अपना पहाड़ी भाई इस देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूं मंदिर में। सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 9। तो यार 10 दिन के जो भागवत थे वो पूरे हो चुके हैं, और अब जो भी मंदिर में जो चांदनी माला जो भी लड़ी वड़ी लगा रखे हैं उनको खोलेंगे, और जितने बर्तन हैं, परसों मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि एक लड़के की शादी है, उस लड़के के वहां वो बर्तन जाएंगे। तो दोस्तों, कल है कालिका माता के मंदिर में कथा, आज बर्तन लेके जाएंगे। जितने भी लड़के थे हमारे के वहां के, वो तो सारे मंदिर में चले गए, एक मैं ही बच गया पीछे। 8:30 बजे उठा और उसके बाद नहाया धोया, अब मंदिर में जा रहा हूँ। बहुत लेट हो गया आज। तो दोस्तों, ये रास्ता बना रखा है हमने, इसको खूब पानी दे रखा है, ये आप टूटेगा नहीं, अच्छा बना दिया हमने। और मंदिर में चलते हैं अभी। दोस्तों, मंदिर में जो भी सजावट की थी वो निकाल दिया है, सामान खोल दिया, और ये रहे अपने भरजी, भरजी जो यहाँ पर अभी प्रसाद दे रहे हैं, ये ब्राह्मण जी हमारे भरजी हैं, ये प्रसाद बांट रहे हैं सबको। गुड भरजी, गुड शाबाश। मलाई वाली है तो मेरे को ही मिलेगी, तो सबको मिलेगी, ऐसे ही मिलेगी, लास्ट में मिलेगी, लास्ट में मिलेगी, चाहने वाले फ्रेंड लोगों को मिलेगी। अच्छा, ये खा जाएंगे, क्या बात है। तो दोस्तों, अभी जा रहे हैं हम घर को, पुजारी को छोड़ने के लिए। हाँ, पुजारी घिमे देनी भाई, ये जा रहे पुजारी जी, इनको मंदिर से घर तक छोड़ने के लिए जाएंगे पूरे। आज फाइनली भागवत पूरे हो चुके हैं, जो भी पंडित और ढोली और पुजारी जो थे वो चले गए, पर पुजारी जी को आज छोड़ने के लिए जा रहे हैं अपन सब लोग। तो दोस्तों, मंदिर का पुजारी जो होता है वो अपने घर पर पहुंच चुके हैं। तो ये रहा पुजारी का घर, पुजारी घर पर पहुंच चुका है। बालक टेंट बालक। तो 10 दिन से जो भी पानी आ रहा था गांव का वो मंदिर में था, अभी मैं जा रहा हूँ पानी लगाने के लिए। यार ऊपर जंगल से पानी आता है नीचे, तो पाइप है, पाइप के बीच में जो है हवा भर जाती है, तो उसको लीक करना पड़ता है। अभी चाकू और कुदाल लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जहाँ से पाइप में हवा पास होती है वो है जो सामने आपको पेड़ दिख रहा है, पेड़ के जस्ट नीचे है। तो यार चलते हैं वहाँ पर, क्या सिचुएशन हो रही है ये है। और ये पानी जो आता है, ये पानी जो आता है ऊपर जंगल से आता है, इसके लिए एक स्विमिंग पूल जैसा बना रखा है, वो भरने के बाद तो दोस्तों खेतों में सिंचाई किया जाता है इस पानी से। ये रहा पानी, हमको जो हवा निकालनी है तो यही कहीं है, तो कुदाल से मिट्टी निकालते हैं।
तो फाइनली मैंने हवा निकाल दी है पाइप की। ये रहा, यहाँ से आ रही हवा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मिट्टी उड़ के दे, मिट्टी उड़ रही ये। तो अब फाइनली आ जाएगा पानी यार। ये निकाल दी मैंने हवा। तो दोस्तों जो पाइप में हवा भरी हुई थी मैंने खोल दी और अभी भी पानी की आवाज आ रही है। हवा निकल चुकी है फाइनली। और देखिए अब पानी भी आने लग गया यहाँ से, मतलब बीच में हवा भर जाती है। हवा भरने की वजह से पानी नहीं आ पाता, तो मैंने हवा इसकी लीक कर दी, अब पानी आ जाए। ये देखिए दोस्तों इतनी हवा निकल ली यहाँ से और पानी भी आ रहा है, मतलब अब पानी आने लग गया घर पे। ये आ रहा है पानी, फुहारे मार रहा है, नहाने का मन कर रहा है यार सच्ची में। काफी अच्छा हो रहा है नहाने वाला, वहां कोने बजाए खड़े हो जाओ। ये आने लग गया पानी।